तो तालिबान ने दी अफगानिस्तान की टीम को भारत से खेलने की अनुमति। जी हां, अफगानिस्तान की टीम भारत का दौरा करने वाली है और भारत में ही आकर भारत के खिलाफ खेलने वाली है सीरीज, जिसको लेकर तालिबान ने हरी झंडी दे दी है। अफगानिस्तान इन दिनों उथल पुथल के दौरे से गुजर रहा है, वहां तालिबान ने कब्जा कर लिया है। लेकिन पुरुष क्रिकेट को लेकर बड़ी खबर आई है, तालिबान ने भारत के साथ क्रिकेट खेलने को लेकर मंजूरी दे दी है। हालांकि महिला क्रिकेट को लेकर अब तक फैसला नहीं हुआ है। पिछले साल अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 महिला खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार अफगानिस्तान की टीम अक्टूबर नवंबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी उतरेगी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कार्यकारी हामिद सिनवारी ने कहा कि अगले साल टेस्ट सीरीज खेलने के लिए भारत जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप से पहले हम एक त्रिकोणीय सीरीज की भी योजना बना रहे हैं, इसमें वेस्टइंडीज और श्रीलंका की टीम उतर सकती है। इसका आयोजन UAE में किया जाएगा, इससे पहले हम टीम का कैंप कतर में लगाएंगे। आपको बता दें कि तालिबान की टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नवंबर में होने वाले टेस्ट मैच के लिए भी मंजूरी दे दी है। अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। हामिद सिनवारी ने कहा कि हम अगले साल पहले क्वार्टर में टीम इंडिया से सीरीज खेल सकते हैं। हालांकि महिला क्रिकेट को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें नहीं पता, सरकार इस पर निर्णय लेगी। अफगानिस्तान की नेशनल टीम 2001 में बनी थी, 2017 में उसे ICC की ओर से पूर्ण सदस्य मिल गई थी, यानी कि फुल मेंबर टीम अफगानिस्तान की टीम बन गई थी, यानी टीम को टेस्ट खेलने का भी दर्जा मिल गया था। तो वहीं तालिबान के सत्ता में आने के बाद हामिद सिनवारी, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष, ने कहा था कि देश में क्रिकेट को सभी से प्यार मिला है, पिछले 20 सालों में किसी ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसलिए खेल को लेकर कोई समस्या नहीं है। लेकिन टीम के स्टार खिलाड़ी राशिद खान कई बार सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए नजर आए। वो हमेशा अफगानिस्तान के झंडे के साथ देखे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यही है कि तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता आने के बाद तालिबान ने हरी झंडी दे दी है अफगानिस्तान को भारत का दौरा करने के लिए और टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज भारत में खेलने के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि अफगानिस्तान की टीम भारत का दौरा कर सकती है साल 2022 में, जहां इंडिया में इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल सकती है। तो ये सीरीज साल 2022 में इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच खेली जाएगी, इसको लेकर तालिबान ने हरी झंडी दे दी है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल तौर पर स्टेटमेंट जारी कर दिया कि वो भारत का दौरा करने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। इस सीरीज को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वहीं क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पर उसकी अपडेट्स दी जाती है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं क्रिकेट रफी के नाम से, जबकि आप इंस्टा फेसबुक पेज को भी लाइक फॉलो कर सकते हैं लगातार हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।